नमस्कार दोस्तों, आज से 75 साल पहले दो मुल्क एक साथ आजाद होते हैं। दोनों मुल्क एक ही परिस्थिति से निकले होते हैं, तो एक ही परिस्थिति और विविधताओं से परिपूर्ण दोनों ही राष्ट्र अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई मुल्क नया नया आजाद होगा तो वह क्या करेगा? वह अपने बेहतरीन दिनों के सपने देखेगा और उसके लिए मेहनत करेगा। दिन था 15 अगस्त 1947 का। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क थे और इन पर राज करने वाला देश था ब्रिटेन। 14 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले, यानी कि भारत छोड़कर अंग्रेज जब जाने वाले थे उसके ठीक एक दिन पहले, अंग्रेज भारत के दो टुकड़े करते हैं, एक पाकिस्तान तो दूसरा हिंदुस्तान। और इस घटना के साथ दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम के एक देश उभर कर आता है। और ठीक इसके बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर के यहाँ से चले जाते हैं। और इसके साथ ही ये दोनों ही मुल्क अपने बेहतरीन दिनों के सपने लिए आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में। आखिर वह कौन सा कारण है कि एक साथ आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान? एक तरफ भारत जहाँ पर मंगल ग्रह पर अपने यान भेजता है, चंद्रमा पर अपने वैज्ञानिकों उतारने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आज 75 सालों के बाद भी इस तरह के बुरे दौर से गुजर रहा है कि उसका हर हिस्सा आज टूटने के लिए तैयार, हर हिस्से में आजादी के लिए लोगों में बगावत। हम आगे बढ़े इससे पहले आप कुछ न्यूज कटिंग्स को देखें। After a suicide bomber killed at least 100 people in Pakistan's Peshawar city, dozens of police officials are now staging a protest against rising terrorism in Pakistan. The Khyber Pakhtunkhwa police force demonstrated in front of the Peshawar press club, raising slogans against rising terrorism. हर जगह पाकिस्तान के हालात और उसके लेकर के आर्टिकल छपे हुए। आखिर वह कौन सी वजह रही कि पाकिस्तान के आज यह हालात हो रखी? आज पाकिस्तान के खजाने की बात करें तो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में $3 बिलियन से भी कम की राशि बची हुई है। अगर अब भी पाकिस्तान कोई ठोस कदम नहीं उठाता है ना, तो अगले कुछ दिनों या महीनों में उसका पूरा का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो सकता है और पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसे हो सकता है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, मतलब कि कुछ दिनों में पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे विद्रोह देखने को मिल सकता है और इससे पाकिस्तान कई हिस्सों में टूट सकता है। और सबसे ज्यादा चांसेस जो है ना के टूटने के हैं और इसके पीछे कई बड़े कारण बताएंगे इस वीडियो में आपको एक एक करके। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी कर। आज पाकिस्तान में महंगाई दर अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है और इससे वहाँ की आवाम बहुत ही ज्यादा नाराज थी और उनकी सरकार के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। वहीं अगर महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त आटा 120 रुपए, चावल 200 रुपए, दूध की बात करें तो 150 रुपए, चिकन 700 रुपए पर केजी तक जा पहुँचा। इसके अलावा आलू 70 रुपए, प्याज 140 से 160 के बीच में, तो पेट्रोल जो है वो 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से चल रहा है। एक तरफ आजादी के बाद जहां हिंदुस्तान अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया, कई वैज्ञानिक प्रोग्राम चला रहा, वहीं इसके साथ साथ भारत अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाता और इसका विकास करता चला गया और ऐसे ही अन्य दिशाओं में बहुत सारे कामों में जुट गया जो हिंदुस्तान की बेहतरी, यहां के आवाम की बेहतरी के लिए बेहद जरूरत। तो वहीं पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन समझकर इसे बर्बाद करने के सपने देखने लगा और इसी क्रम में उसने आतंकवाद जैसी भयानक चीज अपने घर में ही पैदा कर ली। शुरुआत के दिनों में तो इस आतंकवाद जैसे भयानक चीज के बारे में पाकिस्तान को लगा यह सारे के सारे आतंकवादी और इससे जुड़े संगठन भारत को जो बर्बाद करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे और इनकी मदद से पाकिस्तान एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा और इसी क्रम में पाकिस्तान गजवाए हिंद का सपना देखने लगा। हालांकि पाकिस्तान का यह सपना हमेशा सपना ही बना रहे, इसके जगह पर यह हो सकता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान एक दिन भारत के अंदर हो, क्योंकि पाकिस्तान आखिरकार है तो भारत का हिस्सा ही। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। शुरुआत के दिनों में भारत पूरी दुनिया से कहता रहा आतंकवाद दुनिया के लिए बेहद ही खतरनाक, मतलब भारत तब दुनिया को यह समझाने में जुटा रहा कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद इन दिनों पनप रहा है वह एक दिन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। यह एक ऐसी तबाही होगी जो पूरी दुनिया को निगल जाएगी, यह एक ऐसा श्राप होगा कि जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी। लेकिन तब जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और भी बहुत सारे देश, वह उन दिनों पाकिस्तान के हिमायती थे और उन्हें लगता था आतंकवाद भारत का अंदरूनी मामला है और इस वजह से वह देश मानने को ही तैयार नहीं थे कि आतंकवाद जैसी चीज पाकिस्तान के अंदर है और वह वहाँ फल फूल रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, हिंदुस्तान ने भी कह दिया भाई ठीक है, चलो हम अपनी सुरक्षा खुद से कर लेंगे और हम इसके लिए पूरी तरह से सक्षम। लेकिन तभी डेट था September 11, 2001, जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा हाईजैक पैसेंजर एयरप्लेन से आत्मघाती हमला होता। Eddie, copy me. Eddie, be there.
हमारा यह चैनल पूरी तरह से नया है, इसलिए हम आपको लंबी वीडियो बनाकर इस वक्त नहीं दे सकते। इसलिए हम आगे की बात को इस वीडियो के चैप्टर 2 में करेंगे, और इसके लिए अभी आप इस वीडियो को ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके।